हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप देख सकते हैं कि आज मैं पनीर की भुजी बना रही हूं, क्योंकि अदिति की तबीयत थोड़ी ख़राब है और उसे आज सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है कुछ भी, और मैंने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी, इसलिए मैं आज उसके लिए पनीर की भुजी बना रही हूं। देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले पनीर को टुकड़ों में थोड़ा मैश कर ले रही हूं। उसके बाद मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी। उसके बाद मैं कुछ मसाले डालूंगी इसमें। अदिति आज स्कूल नहीं गई है, क्योंकि आज उसको थोड़ा हल्का फीवर आ गया था, वो नहीं जा सकी स्कूल। बोली कि मम्मा फिर जाऊंगी, वहाँ ज़्यादा होने से फिर घर भेजेंगे मुझे टीचर्स, इसलिए मैंने बोला ठीक है मत जाओ। और गाइस, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। गाइस, अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसके बाद मैं सारे मसाले थोड़े थोड़े करके डालूंगी, क्योंकि ये एक आदमी के लिए ही बन रहा है, सिर्फ अदिति के लिए। इसमें बहुत कम मसाले पड़ेंगे। और ये मैंने नमक डाल दिया इसमें, और इसे थोड़ा भून लेती हूँ। इससे क्या होगा कि टमाटर जल्दी जल्दी गल जाएगा। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया डाला। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़े से गर्म मसाले डालूंगी। इससे इसका जो टेस्ट है ना, बहुत अच्छा आता है। इसमें गर्म मसाला ज़रूर डालें आप जब भी बनाएं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। इसमें मैं पनीर डालकर मिक्स करूंगी, और इसे मैं 2 मिनट इसे पकाऊंगी। उसके बाद मैं ये रेडी हो जाएगा। और थोड़े से मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, जो कि कश्मीरी लाल है, वो तीखा बिल्कुल नहीं है। उससे थोड़ा सा कलर अच्छा लगेगा देखने में। और ये हमारा बन चुका है पनीर का भुजी, जो कि अदिति अब इसे खाएगी घी लगी हुई रोटी के साथ। गाइस, ये मेरा आज का पनीर का भुजी मैंने बनाया, वो आप भी ट्राई करें, और कैसा लगता है मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपने किस तरह से बनाया। गाइस, इसमें धनिया पत्ती भी आप डाल सकते हैं, अदिति को पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली है। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।